सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गुमराह जी एंटरटेनमेंट में। आज मैं जा रहा हूँ सोलन डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी। आज के लिए टूर बहुत ही अलग होने वाला है, चलो देखते हैं कैसा रहेगा आज का टूर। ये रही पीछे अपनी बैक साइड में अपनी गाड़ी, और सामने उधर पीछे वो जो सामने दिख रहा है वो है दाड़ला घाट की फैक्ट्री। घर से हम चल पड़े थे सुबह 4 बजे, तो जाके अभी पहुँचे हम भराड़ी घाट में। तो यहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि यार सुबह एक्चुअली कैमरा जो है इतना अच्छा नहीं है ना, तो फिर तब मैंने अभी जाके कैमरा इसको स्टार्ट किया व्लॉग को। तो अभी चलते हैं सोलन नौणी, सीधा नौणी में। और ये है सनराइज़ सुबह का, कितने बज रहे हैं अभी, 7:30 बजे। और ये है सनराइज़, देखो कितना अच्छा व्यू है। और ये रहा सोलन रोड, चल पड़े अब अपन सोलन रोड की तरफ। ले लिया हमने लिंक, और चलिए अब निकलते हैं यहाँ से आगे। और वो रही सामने दाड़ला घाट की सीमेंट फैक्ट्री। कैमरा थोड़ा बेचारा लसन सा है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। बाजार में, और अपन ने ले लिया है खाने के लिए केला वगैरह और सेब, क्योंकि यार आज अभी सुबह कितना, शायद सुबह के टाइम क्या हुआ, टाइम बज गया है पूरे 9, और अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो सोचा थोड़ा फल फ्रूट खाया जाए सुबह सुबह। मैं आपको कुनिहार का बाज़ार दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये है कुनिहार का बाजार। एक बंदा ये जगे तू कर गया, दूजा बंदा ये तीजा गया। केला खाओ और मस्त रहो। Continue straight past F Baker's onto State Highway 9. तब तक मेरी सारी वीडियो खराब कर दी। थोड़ा आगे आ चुके हैं और एक बहुत ही अच्छी जगह मिली। ये पता नहीं कौन सा प्लांट है, कुनिहार के थोड़ा आगे है। जो वीडियो देखेगा वो प्लीज़ मेरे को बता दे कि ये कौन सी जगह है, कौन सा प्लांट है, मेरे को बताना है। ये पता नहीं कौन सी जगह है, लेकिन मेरे को अच्छा लगा। थोड़ी हवा कम थी, तो अब टायर की हवा भरवा रहे हैं हम थोड़ी सी, और फिर आगे का सफ़र फिर से चालू करते हैं। ये काम हो गया पूरा, अब तो यार आज नौणी यूनिवर्सिटी का व्यू देखने को मिलेगा। आज जल्दी दिखवा, निकलो निकलो वो, हां दे नो पूरे पार्क का। गाड़ी आई थी, चला पकड़िया ना गाड़ी वाले यार, ये तो रखा है डेरा कैंट गोरखा रेजिमेंट का आर्मी कैंट। ये रहा पूरा इसका व्यू, ये सर। और बंदर देखो कैसे मजे ले रहे हैं पूरा धूप का, धूपना और पर ले आता है तेरे वाला, पर ले आता है था। ये है पूरा व्यू आर्मी कैंट, गोल्डन लग रहा। ये है सुबाथू, सुबाथू का जगह पे है आर्मी कैंट गोरखा रेजिमेंट का। इनको चाहिए टैक्स, इनको देना है टैक्स। हाँ जी सर, कितनी? 20 रुपए, ये 20 रुपए भाई। लिया हमने एंट्री पास सुबाथू का, यहाँ पे 20 रुपए एंट्री पास लिया है इन्होंने। बोलो आर्मी वालों का है ये, शायद ऊपर पीटी लगी है तो थोड़ी आवाज़ आ रही थी शायद। यहाँ पे साथ में ही स्कूल है,
ये है गवर्नमेंट स्कूल साथ में ही। और ये देखो ऊपर शायद पीटी चली हुई है, शायद इनकी आवाज़ आ रही है थोड़ा, शायद कैमरे में ना सुनाई दे। इनका मिलिट्री स्टेडियम वो देखिए ऊपर, शायद आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, तो ऊपर पीटी लगी हुई है। डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, यहाँ से स्टार्ट होता है एरिया नीचे तक। एंट्री ले ली हमने अंदर के लिए डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी। ये हो चुका है यहाँ का एरिया स्टार्ट। यह है पूरा एरिया परमार यूनिवर्सिटी का। अभी अपन पहुंच गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट साइंस। अभी ये देखिए आप पीछे का एरिया कितना बड़ा एरिया है। अभी अपन को यहाँ से सेब का पौधा उठाना है, अंदर जाके एंट्री करवानी है और चलते हैं अंदर की तरफ। ये देख सकते हो आप जो भी मेरे पीछे वाला एरिया या ये वाला एरिया, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक, ये पूरा नॉन यूनिवर्सिटी का एरिया है। देख सकते हो ये सारा सेब का पौधा है, अलग अलग वैरायटी का पूरा। ये जो भी दिख रहा है ये सारा सेब का पौधा है। और वो रही उधर लाइन, बंदे सेब के पौधे लेने के लिए आए हैं अलग अलग वैरायटीज के। रेडलम गाला का तो एक टैग, स्कारलेट के 15। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the... हो चुका है अपना सेब का पौधा पैक पूरा। कितना है पंकू? 122 फुल लोडेड। चलो अब इसको गाड़ी में पैक करते हैं और लेके चलते हैं घर। यूनिवर्सिटी का ग्राउंड दैट्स, और वो रहा उधर उनका स्टैच्यू। आप देख सकते हो स्टैच्यू। ये है पूरा एरिया वाई एस परमार यूनिवर्सिटी का। और भी आपको मैं दिखाऊंगा ऊपर जाके। चित्रघड़ी चौक, चित्रघड़ी आने सुंदर नगर नेर चौक, सुंदर नगर कनेक्टर बढ़िया हो तक ही है। ओहो वो हैप्पी न्यू ईयर।
तो अभी मैं पहुंच चुका हूं घर। टाइम हो चुका है 8:30 और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूं। सुबह रात 2 बजे का उठा हुआ था और वहां सोलन के लिए गया हुआ था। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूं यार आज तो। अभी नहा धो के फ्रेश हो लेता हूं, फिर खाना वगैरह खाते हैं और आज सो जाते हैं। एडिटिंग में भी मैं इसकी सुबह ही करूँगा 6 बजे उठ के, फिर 8 बजे मैं अपलोड कर दूँगा व्लॉग। अभी तो यार चुपचाप खाना खा के सो ही जाना सीधे। और बाकी ज़्यादा ना बोलता हुआ आज व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, बट थोड़ा यार रात का उठा हुआ था ना, एक तो पहले ही 12:30 बजे सोया था, फिर 2 बजे उठ गया था, तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। 2-4 दिन से ऐसा ही चल रहा है ना, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। फिर अभी देख आप देख सकते हो अच्छे से मेरी आंखों में कितनी ज़्यादा स्वेलिंग भी आ चुकी है यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और दर्द काफ़ी हो रहा है आंखों में। तो अभी ज़्यादा ना बोलते हुए इस ब्लॉग को आज को यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।